वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का बहुत सारा मैचेस, टोटल 11 मैचेस शारजाह में होने वाला है। तो शारजाह का पिच किस तरीके से कर सकता है बिहेव, इसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा करते हैं और देखते हैं इसका पिच रिपोर्ट क्या कहता है, आपको किसके साथ जाना चाहिए, चाहे वो बॉलिंग हो, बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो। अगर आप किसी भी टीम के लिए एक बहुत बढ़िया सा फैंटासी के लिए टीम बनाते हो, चाहे वो GL हो या फिर स्मॉल लीग हो या फिर आप विनर सेशन एंट्री खेलना चाहते हो, तो किस तरीके से ये पिच आपको मदद पहुंचाए उससे हम लोग डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगा। और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना। और अगर आप मुझसे खेलना चाहते हो विनर सेशन एंट्री, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली जुड़ के वहाँ से जो है एक बढ़िया सा बेनिफिट आप उठा सकते हो। अब शारजाह के पीस की अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, तो शारजाह के नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? बाउंड्री एरिया बहुत छोटी है, पिच बैटिंग पिच ग्राउंड है, और इवन जो हमने IPL में देखा कि 227 रन 223 रन भी यहाँ पे चेज हो जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। और अभी हम लोग मेंस वाले मैच की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं वुमेन्स वाले मैच की बात। तो किस तरीके से रहने वाला है? नो डाउट पिच फ्लैट दिखाई देता है, बाउंड्रीज एरिया छोटा है, लेकिन वुमेन्स वाले बाउंड्रीज एरिया देखोगे तो जहाँ भी मैचेस होता है ना, बाउंड्रीज एरिया थोड़ा सा छोटा ही बनाया जाता है। तो उनके लिए तो बाउंड्रीज एरिया जो होगा वो नॉर्मल ही बाउंड्रीज एरिया होगा, यानी कि उनके लिए ये ग्राउंड छोटा नहीं होने वाला, ना ही कोई बहुत ज़्यादा जो है आप कह जाओगे बाउंड्रीज एरिया कम हो जाएगा। जितना उनका रखा जाता है उनके लिए ये ग्राउंड इनफ है, तो उतना जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ग्राउंड जो है वो टाइपली फ्लैट ऑफ जो है बाउंस ऑफर करता है, और फ्लैट पिच होने के कारण यहाँ पे रन बहुत ज़्यादा बनता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा जो चार पांच पिचेज हैं उनमें से केवल एक दो पिचेज पे होता है, बाकी जो पिचेज होती है ना वो सीधा बॉलिंग की तरफ कन्वर्ट हो जाती है, और बॉलिंग में बहुत ज़्यादा मदद देती है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो या फिर स्पिन बॉलर्स हो। तो आप जो है ना, जो पहला इसका क्वेश्चन है कि बाउंड्री स्विप या शॉर्ट है वुमेन्स के लिए, कट कर दो, क्योंकि वो वुमेन्स के लिए नहीं होने वाला शॉर्ट। इसके अलावा फ्लैट पिच है लेकिन सिर्फ दो जो है पिचेज है, टोटल पांच पिचेज में से जो है दो पिचेज है उन पे देखने को मिलता है, बाकी जो तीन पिचेज है वो बॉलिंग के लिए बहुत अच्छी है और वो बॉलिंग बहुत अच्छे से ऑफर करती है। और ये चीज़ें आपने जो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का जो मैचेज हुआ था अभी रिसेंट में, तीन मैचेज, उन तीनों मैचेज में देखा होगा कि जब भी बैटिंग वाले पिच पे हुआ रन अच्छा खासा बना, इवन अफगानिस्तान ने 300 रन बनाया, लेकिन जब वहाँ पे चेस करने के बारी आती है तो पीछे जल्दी से टूटना शुरू हो जाता है, रन नहीं टूटता। इवन जो है बाकी पिचेज पे जब मैच हुआ तब बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे पिचेज टूटना शुरू हो गई, और शुरुआत में बैटिंग करना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो गया था। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि किस पिच पे मैचेज हो रहा है। जब भी आप लाइव सुनोगे, कमेंट्री सुनोगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन से पिच पे जो है मैचेज होने जा रहा है। अब पेस में मोमेंटम होगा, फास्ट बॉलर को जो है ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन लाइकली अगर देखोगे इस ग्राउंड पे तो स्पिनर्स को जो कि वोमेंस वाले मैचेज है उनमें ज़्यादा बेनिफिट मिला है। और इसका सेम सिंपल सा रीज़न है कि वोमेंस वाले में जो पावर हिटिंग होता है वो हर कोई नहीं कर पाता, कोई कोई कर पाता है, तो जब पावर हिटिंग के लिए जाते हैं तो जो स्पिन बॉलर्स है उन पर ज़्यादा पावर लगाना पड़ता है, जिसके चलते आप देखोगे जो वोमेंस वाले मैचेज है उसमें जो स्पिनर्स है वो ज़्यादा विकेट लेती हैं एज़ कम्पेयर टू जो फास्ट बॉलर है वो। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस पिच पे खेलते हुए, चाहे वो कोई भी टीम क्यों ना खेले। तो ये पहला चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट के जो 10 मैचेज यहाँ पे हुए हैं, पाँच फर्स्ट बैट जीता है, पाँच सेकेंड बैट जीता है, यानी कि 50-50 चांसेस रहा है। लेकिन आप देखोगे फर्स्ट बैट एवरेज यहाँ पे तो 119 है, 120 मान लो कि एवरेज है वुमेन्स वाले में, जिसमें से हाइएस्ट भी आप देखोगे तो यहाँ पे श्रीलंका वुमेन ने 151 बनाया था, लोएस्ट देखोगे 70 रन बनाया था वो भी श्रीलंका वुमेन ने। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इस ग्राउंड पे रन तो पॉसिबल है कि 150 के आसपास बन जाए, और वो 150 के आसपास बन जाता है तो एक डिफेंडिंग स्कोर की तरफ जो है वो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे हाईली चांसेस है कि जो एवरेज रन है 120 उसी के आसपास जो है आपको रन दिखाई देगा जो नॉर्मल टीमें खेलेगी। अब कोई बहुत बड़ी टीमें खेलेगी जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इंडिया हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि 150, 155, 160, 170 तक भी जो है रन जा सकता है। डिपेंड करता है कि उनके पावर हिटिंग जो बैट्समैन है वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो जो एवरेज एरिया है उसी के अंदर जो है आपको यहाँ पे रन लगते हुए नजर आएगा। अब स्कोरिंग पैटर्न देखोगे तो 150 से नीचे 8 स्कोर है, जो 10 स्कोर में से 150 से नीचे 8 स्कोर है, यानी कि जो मेनली स्कोरिंग टारगेटेड है वो जो एवरेज स्कोर है उसी के आसपास रहता है, यानी कि ऐसा कह सकते हो कि 130 120 के आसपास ज़्यादा रन यहाँ पे बनते हुए नजर आते हैं। 150 से ऊपर और 70 के बीच में सिर्फ 2 स्कोर है, और यही जो है जो हाइएस्ट स्कोर है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रिसेंट के 5 मैचों में 124 जो है यहाँ पे एवरेज है, जो कि ठीक ठाक एवरेज आप कह सकते हो, नॉर्मल उतना ही है।
और टोटल 50 विकेट गिराया था। आप ऐसे कह सकते हो जो विकेट गिरने का जो फॉल है, विकेट फॉल यहाँ पे वो कम है, क्योंकि 50 विकेट का मतलब है 5 मैचों में। तो आप ऐसा कह सकते हो कि पर मैच 10 विकेट गिरा है, किसी में 11 विकेट गिरा है, यानी कि पर इनिंग 5 से 6 विकेट जो आपको देखने को मिलेगा, जिनमें से जो फास्ट बॉलर है वो 17 विकेट और जो स्पिनर है वो 35 विकेट लिया है। तो जो स्पिनर है वो ज़्यादा ट्रेडिशनली बेनिफिट लेता है जो वुमेन्स वाले मैच है, जिसकी मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि ऐसा क्यों होता है, और ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब लास्ट के जो 4 मैचेज है उसको एक बार देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आप देखोगे जो लास्ट के 4 मैचेज है वो 2017 में खेला गया था, और ये जो था वुमेन्स वाले मैचेज में पाकिस्तान वुमेन्स और न्यूजीलैंड वुमेन्स का मैचेज था। और 2017 में यानी कि अभी से अगर 6 साल पहले जाओगे, 7 साल पहले जाओगे, तो उस समय जो टीमें थी वुमेन्स वाली वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी, तो इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी। फिर भी आप देखो रन जो है यहाँ पे न्यूजीलैंड वुमेन्स उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग टीम था, तो आप देखो 150 बनाया, 147 बनाया, 126 बनाया, लेकिन जब पाकिस्तान वुमेन्स जो है बैटिंग करने आया था, आप देखोगे यहाँ पे 90 भी जो है नहीं बना पाया। तो अब जो रन होगा वो इसी के आसपास आपको ज़रूर दिखाई देगा, यानी कि जो रनिंग एरिया होगा वो आपको 150 के आसपास दिखाई दे सकता है, क्योंकि पिछले इतने सालों में जो टीमें हैं वो इवॉल्व हो गई है और एक अच्छा रन जो है बनाते हुए नज़र आ सकती है। तो जो पिच है आपको इसी तरीके से बिहेव करते हुए नज़र आएगा, तो इस बात को जो है आपको यहाँ पे ध्यान रख के जाना है। सो अभी लास्ट तक आप वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज मिल गया होगा, और इन चीज़ को आप विनर सेशन एंट्री या फैंटासी खेलने के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इन सब पे इतना ध्यान नहीं देना चाहते हो, डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, डायरेक्टली इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको विनर सेशन एंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो स्टम्प गुरु सर्च करके, जहाँ पे आपको विनर सेशन एंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें खिला दी जाती है, और जो भी ड्रीम इलेवन फैंटासी से रिलेटेड टीम है वो आपको स्टम्प गुरु पे देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डायरेक्टली जो है जुड़ के वहाँ से आप इसका एक बढ़िया सा जो है वो ओवरव्यू ले पाओगे, और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।